डर लग रहा चलो 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 बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए तो सबसे पहले आपको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है रामनवमी और सोचा कि चलो मार्केट ही चल जाते, ये जल्दी आ गए थे, इनका जल्दी काम खत्म हो गया था, तो मैंने अभी इनको चाय बना के दी है, इन्होंने पी लिया। अंशिका अनमोल की चाय ठंडी हो रही है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं? ब्लैक एंड रेड साड़ी पहनी है और अंशिका अनमोल भी रेडी हो चुकी है, लेकिन ये मस्ती कर रही है। तो दोनों तैयार हो गई है, हम चारों ही हो गए तैयार, तो अब जल्दी से चलते। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम बाहर घूमने भी जाएंगे, साथ में शॉपिंग भी होगी, तो आप व्लॉग में बने रहना, अंत तक देखते रहना। तो चलिए चलते जल्दी से, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तो अभी बज चुकी है 6, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मेले में, जो दशहरे मैदान, जो दशहरे मैदान में अन्नपूर्णा मंदिर के आगे लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, अंदर जाके देखते हैं। तो हम अभी मेले में पहुंच चुके हैं, ये रहा मेला, दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सुंदर सा मंदिर भी बनाया गया है। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा है मेला। और फ्रेंड्स, भीड़ भी बहुत है यहाँ पर, कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और कितने सारे लोग भी गए। और ये रहा गेट, कितना सुंदर लग रहा है, अब लोग है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये था गेट, एंटर करते जब भी अंदर आते सामने मंदिर है, इतने सारे लोग आए हुए हैं। तो चलो चलते अंदर, देखते कैसा लगता है। शॉपिंग भी है यहाँ पर, हाँ दुकानें भी बहुत सारी है, चीजें खरीदेंगे। चलो, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। पहले मंदिर चल रहे, इधर से रास्ता मंदिर का। तो ये राम जी की प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं। यहाँ पीछे अयोध्या भी है, चलो देखते हैं अयोध्या। तो यहाँ पर ना सीधे मंदिर का रास्ता नहीं बनाया है, यहाँ पर पहले इतनी सारी दुकानें हैं, सारी दुकानों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसे राउंड घूम के जाएंगे ना, यहाँ से राउंड घूम के जाएंगे फिर आएगा मंदिर। तो देखिए कितनी सारी, कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। दुकान है यहाँ पर, स्कर्ट ओनली, हाँ चल रहे हैं बेटा, ढेर सारी दुकान है। यहाँ पर ढेर सारी दुकान है, कितनी सारी दुकान है, बहुत सुंदर लग रही ना ये वाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सैंडल इतनी सुंदर वैरायटी थी, चप्पल उनकी बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे एक ये रेड कलर की बहुत सुंदर लगी, तो फिर मैंने ट्राई करके देखी, वो मेरे साइज़ की थी तो फिर मैंने वो ले ली, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो, साड़ी वगैरह ड्रेस पे या लांचे पे बहुत सुंदर लगेगी, इसलिए मैंने एक जो ले ली रेड कलर की है, बहुत सुंदर लग रही है, मैं आपको दिखाऊँगी। और ये आई थी 300 रुपये की, तो अच्छी क्वालिटी थी। तो चलिए, मैंने ले ली बहुत ही सुंदर सी चप्पल ली है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। चलिए मंदिर चलते हैं, बहुत ही अच्छी दुकान है यहाँ पे, तो बजेगा। तो फ्रेंड्स, आगे जाके खिलौने टॉयज की दुकान दिखी, वहाँ पर डॉल थी तो अंशिका अनमोल ने ले ली। अंशिका अनमोल ले रही है, अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर मेला लग रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना ऐसा बनाया गया था कि पूरा मेला, सारी दुकानें घूमने के बाद मंदिर आता है, सारी दुकानें घूम ली, मेला घूम लिया, उसके बाद हम गए मंदिर में। तो मंदिर बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ का मंदिर का लुक पूरा, अयोध्या मंदिर जो है ना उसका पूरा लुक दिया गया था पूरा। तो हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाई, वहाँ पर सेल्फ़ी ली, फ़ोटो किसे खिंचवाते, सेल्फ़ी ली, उसके बाद अंदर जा रहे। सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में अयोध्या मंदिर में आ गए, क्योंकि उसको इतना सुंदर डिज़ाइन किया गया था, पूरा ऑरेंज कलर का, जैसे अयोध्या मंदिर है वैसा ही ये था, अंदर से भी बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या सच में इंदौर में आ गई है, बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पर
वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। सच में इतना अच्छा मेला कभी नहीं देखा मैंने। और यहाँ पर इतनी आवाज आ रही है, साउंड क्या पता मेरी आवाज आ रही है। तो हमने मंदिर के दर्शन अभी कर लिए, अब हम आए हैं यहाँ पर बना हुआ हवन कुंड बना है। पर हवन हुए थे तो सारे अनगिनत हवन कुंड बने हुए तो यहाँ की सही है। बोला तो यहाँ पर कितने सारे हवन कुंड है, बहुत सारे, इतने सारे हवन कुंड है। और यहाँ पर हम परिक्रमा लगा रहे हैं। जय श्री राम। देखो यहाँ पर 108 हवन कुंड है। कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पर, जो कुटिया बनाई गई है यहाँ पर, हवन हुए थे बहुत ही सुंदर लग रहा। और यहाँ पर आए थे प्रदीप मिश्रा जी जो जा चुके हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है प्यारी सी, अभी अंशिका के पापा उसको सूस पिना रहे हैं, अमोल ने पहन लिए। चलो चलते हैं, यहाँ पर पास ही में मेला भी लगा हुआ है और दुकानें भी है, तो चलो कुछ खरीदना होगा तो मैं खरीदूँ। चले तो ये दोनों ये ले लिए इन्हें, और कब से बजा रही है, इनका मुंह भी नहीं दुख रहा। इतना भयानक झूला है, मेरे को झूलों से बड़ा डर लग रहा है। सबसे बड़ा झूला, बाकी तेज होगा तो। कितना बड़ा झूला है, झूले क्या अंशी का पूछ रही, ये वाला झूले मुझे डर लगता है अंशी का। चलो ले ले क्या, फटाफट बोलो, बैठ रहे लो। चलो ना, तो मुझे तो डर लगता है। तो मेरी हेल्प करोगे? इतना बड़ा झूला है, मुझे तो डर ही लगेगा झूला। ले लो, लेकिन मेरे को तो अभी भी डर लग रहा, मेरे को तो बड़ा डर लगता है। लेकिन मेरा मन डर लग रहा तो फ्रेंड, मेरे को पहले झूले से डर लगता है, और इतना बड़ा झूला था तो मैं कभी नहीं बैठी इतने बड़े झूले में। झूले में बस एक ही बात बोल रही थी मैं, जय श्री राम है, राम जी बचा लो मुझे, आपकी धरती पे आई हूँ, अयोध्या में आई हूँ, बस बचा लो, मैं अब नहीं बैठूंगी, गलती हो गई, बैठ गई। फिर उससे झूले के नीचे पता है वहाँ पर है ना मुर्गा मुर्गी बैठे हुए थे, ढेर सारी मुर्गियों ने बैठी हुई थी, वही मजे कर रही थी। बाकी जो झूले में बैठे थे वो तो सब रो रहे थे। फिर वहाँ पर हमको आगे जाके दाल पकवान की शॉप मिली, लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, आप इंदौर में हमारी शॉप है तो वहाँ पर जरूर आना। आगे जाके एक गेम की शॉप आई, तो वहाँ पर 5 बॉल दी जाती है, 50 रुपए की रहती है। उसमें बॉलों को उन नंबर में डालना रहता है, 1 से 9 तक के नंबर रहते हैं, तो उसमें डालना रहता है। जितने नंबर पे बॉल जाएगी सारों को काउंट किया जाता है, फिर जो नंबर रहता है उस पर जो इनाम रहता है वो मिलता है। तो अमोल को फेंकी थी अनमोल ने बॉल, तो उसको मिला था 20 नंबर, तो 20 नंबर पे निकली थी एक सुपड़ी, जो बच्चों की होती है छोटी सी टॉय जैसी सुपड़ी मिली थी। तो फिर अनमोल को ये वो खुश थी अपने गिफ्ट से कि चलो ये मिला खेलूंगी। फिर बारी आई अंशिका की, अंशिका को भी मिली 5 बॉल, उसने सारी एक एक करके सारी बॉल फेंकी, बहुत अच्छे से फेंकी एक के बाद एक। और उसके बाद क्या हुआ, सारी बॉल को भैया ने काउंट किया, मेरे हस्बैंड भी काउंट करते जा रहे थे, उन्होंने काउंट करी सारी बॉलों को। काउंट करने के बाद रिजल्ट निकला क्या, आप सोच भी नहीं सकते हो, 20 सेम टू सेम। अंशिका इतनी गुस्से में हो गई थी कि मुझे भी सुपड़ी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कुछ चाहिए। लेकिन क्या करो, दोनों का सेम नंबर, ट्विंस है, तो यहाँ पर भी ट्विंस का असर दिख गया। अब बज चुकी थी 8:30 बज गई थी, भूख बहुत लग रही थी। तो फिर देखी हमें, देखी भुट्टे की शॉप, वहाँ पर उबले हुए भुट्टे दे रहे थे, हमने खाए नहीं थे, बहुत टाइम हो गया उबले हुए भुट्टे खाए। तो फिर हमने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं, तो अंशिका भी बोल रही थी मैं भी खाऊंगी, तो लाए, बहुत अच्छे लग रहे थे भुट्टे। निकाल के दे दो उसको, अभी बहुत भूख लग रही थी। ये लेके आए भजिए, मूंग के भजिए, चलिए टेस्ट करके देखते कैसे गरम है बेटा। आपको
यहाँ पर पता है रात को कार्यक्रम भी हो रहा था राम जी का, रामायण का, लेकिन क्या करें बहुत टाइम हो जाता है ना, 10 बजे से तो स्टार्ट ही था, फिर हमको रात हो जाती, इसलिए हम रुके नहीं ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत घूमे। लेकिन वहाँ पर घूमने से फिर बाद में पता चला क्या करें, वहाँ पर ना बाहर जाना है तो भी एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था, वापस वहीं पर जाना पड़ता। तो फिर अंशिका अनमोल वापस से हम मेला एक और बार घूमना पड़ा, इन्होंने घूमा ही नहीं था, झूला झूला ही नहीं था जो जो बच्चों का होता है वो वाला। तो फिर अंशिका अनमोल के लिए 2 टिकट ले लिया है फाइनली। कितने का है? 50 का है। 50 का है, अंशिका का है, अनमोल का। 2 टिकट ले लिए। आप बैठोगे ना? बिठा दो, आपको जिस पे बिठाना। आप लोग जाओगे? आप लोग भैया बिठा दिया दोनों। अंशिका कैसा लगा झूला? अमोल तुमको कैसा लगा? अरे इधर बताओ। तो फ्रेंड्स ये झूला सबसे बेकार है, टोकरी वाला झूला, इसमें कभी मत झूलना, इसमें इतने चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा होता, बहुत ही बेकार है। तो इसके बाद 9:30 बज गई थी, हम घर के लिए निकल गए थे, वो शूट नहीं किया। लेकिन अभी तक का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।